नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साईं कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड ईपीसी 1 के यूनिट 3 से। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आपको यूनिट 3 में पढ़ना है भोजपुरी लिटरेचर के बारे में। भोजपुरी लिटरेचर में आप लोकल लिटरेचर भोजपुरी के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में जाना था भिखारी ठाकुर की रचना के बारे में, यानी कि भिखारी ठाकुर की जो प्रसिद्ध रचना है विदेशी या उसके बारे में हमने बात किया था। तो लोकल लिटरेचर भोजपुरी के अंतर्गत एक और चीज़ आपको यूनिट 3 में पढ़ना है और वह है लोकोक्तियाँ, यानी कि इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं फोक टेल्स। फोक टेल्स लोकोक्तियाँ क्या होता है, लोकोक्ति क्या होता है, इसके बारे में हम आज के क्लास में बात करेंगे, आज के क्लास में चर्चा करने वाले हैं। इसे जो है कहावते भी कहा जाता है, लोकोक्तियाँ भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ होता क्या है, फोक टेल्स क्या होता है, इसके बारे में विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे और आप सभी के बीच कुछ हम एग्जाम्पल भी लेकर आएंगे, कुछ उदाहरण भी लेकर आएंगे, ताकि आपका कंसेप्ट जो है और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लोकोक्ति या फिर लोकोक्तियाँ। इसमें आप सभी को लिखना है कि लोकोक्ति क्या होता है। लोकोक्ति शब्द जो है लोक और उक्ति दो शब्दों के मेल से बना है। यह कैसे बना है, ये सब जो है आपका दो शब्द है, पहला आपका है लोक और दूसरा आपका शब्द है उक्ति। यानी कि आप कह सकते हैं लोकोक्ति आपका शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बना है। पहला आप शब्द लिखेंगे लोक और दूसरा आपका शब्द है उक्ति। लोक और उक्ति शब्द के मेल से जो है इसका निर्माण हुआ है। इसका अर्थ होता है किसी क्षेत्र विशेष में कही हुई बात। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, लोकोक्ति का अर्थ होता है किसी क्षेत्र विशेष में, यानी कोई एरिया विशेष में कही गई बात। लोकोक्ति जो है किसी प्रासंगिक घटना पर आधारित होती है, यानी किसी क्षेत्र विशेष में कोई घटना घट गई तो उसी घटना के समझे के आधारित जो लोकोक्तियाँ होती है। इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण जो है समाज के प्रबुद्ध साहित्यकारों कवियों इत्यादि द्वारा जब किसी प्रकार के लोक अनुभवों को किसी संक्षिप्त वाक्य या वाक्यांश में व्यक्त कर दिया जाता है तो उसको प्रयुक्त करना जो है, उसका प्रयोग करना इतना सरल हो जाता है कि ये वाक्य अथवा जो ये लोकोक्तियाँ होते हैं ये क्या होते हैं, प्रयोग होने लगते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं लोकोक्तियाँ शब्द का निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण होता है कोई भी क्षेत्र विशेष में यदि कोई घटना घट गई या कोई क्षेत्र विशेष में कोई ऐसा प्रसंग आयोजित हुआ जिसके ऊपर उस समाज के जो साहित्यकार होते हैं, जो समाज के कवि होते हैं, उनके द्वारा उस घटना के ऊपर या उस इवेंट के ऊपर कुछ ऐसा संक्षिप्त वाक्य या वैसा वाक्यांश कह दिया जाता है जो कि जिसका प्रयोग करना बहुत ही सरल रहता है, बहुत ही आसान हो जाता है, वैसे वाक्यांश को हम क्या कहते हैं, वैसे वाक्यांश को हम लोकोक्तियाँ कहते हैं, वैसे वाक्यांश को हम कहावते कहते हैं। यह जो आपका है कद एवं पद दोनों में ही हमें देखने को मिलता है, यानी आप कह सकते हैं यह गद में भी मिलता है और पद में भी, दोनों में भी हमें देखने में मिलता है। यदि इसे संक्षेप में समझना चाहे, संक्षेप में आप लिखना चाहे, शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप ये डेफिनेशन याद रख सकते हैं। आप कह सकते हैं ऐसे वाक्यांश या वाक्य कथन या युक्ति जो अपने विशिष्ट अर्थ के आधार पर संक्षेप में ही किसी सच्चाई को प्रकट कर सके उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोकोक्तियाँ कहते हैं। यानी आप क्या समझे, आप कह सकते हैं ऐसा वाक्यांश या वैसा वाक्य जो ऐसा कथन जो संक्षेप में या बहुत शॉर्ट में ही अपनी बातों को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर सके, हमारे समक्ष व्यक्त कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। तो चलिए अभी हम जानते हैं कुछ एग्जाम्पल के बारे में, कुछ उदाहरण हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे आपका जो है लोकोक्ति को और आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
आप उदाहरण में लिखेंगे, पहला उदाहरण आपके साथ प्रस्तुत कर रहे हैं आप, वन में लिखेंगे। वन में आप सभी को लिखना है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये लोकोक्ति आप सुने होंगे, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह होता है कि किसी महान कार्य को करने का लक्ष्य बनाकर भी कम स्तर के काम में लग जाना। यानी आप क्या करते हैं, आप महान कार्य का लक्ष्य बना घर से निकलते हैं या कहीं जाते हैं, और वहां जाने के बाद आप कोई छोटा स्तर का कोई निम्न काम करने लगते हैं, तो वैसे परिस्थिति में कहा जाता है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। यदि आप दूसरी लोकप्रिय की बात करें हम, तो सेकेंड में आप लिखेंगे, दूसरी लोकप्रिय आपकी है कि कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर। यानी आप लिखेंगे कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि संयोगवश कभी कोई किसी के काम आता है तो कभी कोई दूसरों के। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि कोई व्यक्ति जो है कभी दूसरे काम आता है, वही व्यक्ति जो है फिर कभी दूसरों काम आता है। यानी कभी देखेंगे गाड़ी नाव पर जाती है, कभी नाव गाड़ी पर जाती है, तो हर व्यक्ति जो है एक दूसरे के काम आते ही रहते हैं। चलिए आप तीसरा के लिए बात करें, तो आप थर्ड लोकोक्तियां लिख सकते हैं। थर्ड में आपको लिखना है, उठी पैठ आठवें दिन लगती है। आप तीसरा में लिखेंगे, उठी पैठ आठवें दिन लगती है। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि एक बार व्यवस्था भंग होने पर उसे पुनः कायम करने में समय लगता है। यानी एक बार जो स्थिति गड़बड़ हो जाती है, एक बार व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है, तो फिर से उसे सही राह पर लाने में, फिर से सही दिशा में काम करने में क्या होता है, समय लगता है, टाइम लगता है। तो वैसे में कहा जाता है कि उठी पैठ आठवें दिन लगती है। चलिए आप चौथा में लिखेंगे, फोर्थ नंबर आपको लिखना है कि कंगाली में आटा गीला होना। कंगाली में आटा गीला होना, यानी इसका अर्थ यह हुआ कि विपत्ति पर विपत्ति आना। यानी एक विपत्ति तो पहले साल के पास आई है, दूसरी विपत्ति भी आ जाना। यदि हम इस एग्जाम्पल की बात, उदाहरण की बात करें, तो वर्तमान में जैसे आपके समक्ष कोरोना जैसी महामारी है, तो मान लीजिए कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, एक तो कोरोना की महामारी है, ऊपर से आपका जॉब चला जाए, आपकी नौकरी चली जाए, तो क्या कहा जाएगा? आप इस परिस्थिति में कह सकते हैं कि कंगाली में आटा गीला होना। चलिए चौथा में आप लिखेंगे, चौथा जो है लोकोक्ति में आपको लिखना है, चौथा लिखेंगे आप कि कभी घी चलना कभी मुट्ठी भर चलना कभी वह भी मना। यानी आप लिखेंगे इसमें, कभी घी चलना कभी मुट्ठी भर चलना तो कभी वह भी मना। यानी इसका अर्थ होगा कि आपको जो कुछ भी मिले उसी में आपको क्या करना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, संतोष करना चाहिए। कभी हमको घी चना मिल जाए, कभी हमको मुट्ठी भर चना मिल जाए, कभी वो भी नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमें प्राप्त हो रहा है जैसे भी मिल रहा है हमें, उतने में ही संतोष कर लेना चाहिए, हमें ज्यादा का लालच नहीं करना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में कहा जाता है कभी घी चना कभी मुट्ठी भर चना तो कभी वह भी मना। उसके बाद आप लिखेंगे पांचवा में, पांच में आप सभी को लिखना है, हर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। यानी क्या, पांच नंबर लिखे हैं, पांचवें में आपको लिखना है घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। यानी कि गुणवान व्यक्ति की जो है अपने स्थान पर प्रशंसा नहीं होती है। यानी कि जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर गुण होता है, उनकी प्रशंसा वहां पर नहीं होती है जहां पर वो रहते हैं, बाकी उनकी प्रशंसा जो है बाकी हर जगह होती है। इसीलिए कहा जाता है कि घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। इसी तरह एक और आपका लोकोक्ति है, छठा आप लिखेंगे, जो इसी के समकक्ष है, ये वो इस तरह का है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ये कहावत आप सभी ने भी सुना होगा, ये लोकोक्ति आप सभी ने भी सुनी होगी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। यानी घर की वस्तु का जो है महत्व नहीं समझा जाता है। यानी कि जो चीज आपके घर में प्राप्त हो जाए, जो चीज आपको आसानी से प्राप्त हो जाए, उसका क्या होता है, आप महत्व नहीं समझते हैं। चलिए आप छह हो गया, आप सातवें आप लिखेंगे, सेवन नंबर में,
सेवन नंबर लौकिक क्रिया में आप सभी को लिखना है कि घर में दाने नहीं अम्मा चली भुनाने। सातवें लौकिक क्रिया में आप सभी लिखेंगे घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, यानी इसका अर्थ यह हुआ कि झूठी शान दिखाना, यानी आपके पास कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए, आपके घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी आप क्या करें झूठी शान दिखा रहे हैं, अपने बारे में झूठी बढ़ाई कर रहे हैं। तो वैसे लोग के लिए कहा जाता है कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। चलिए आपका आगे पढ़ा सातवां था, अब आठवें लोग में आप लिखेंगे, एट नंबर में आपको लिखना है कि तू भी रानी मैं भी रानी कौन भरेगा पानी। इसका अर्थ यह हुआ कि सभी अपने को जो बड़ा समझेंगे तो फिर काम कौन करेगा, यानी क्या कहता है कि तू भी रानी मैं भी रानी कौन भरेगा पानी। सभी अपने आप को यदि बड़ा समझने लगेंगे तो फिर कार्य जो है किसके द्वारा किया जाएगा ये हम जानेंगे, आप लिखेंगे आठवें नंबर में। तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपना कार्य ज्ञात होना चाहिए, यानी हर कोई रानी नहीं है, हर कोई राजा नहीं है, जिसको जो कार्य दिया गया है वो कार्य जो है उसके द्वारा पूर्ण करना चाहिए। इसी तरह का जो है एक और कहावत है जो मुझे सुना आ रहा है, जो कि भोजपुरी में कहा जाता है, वो कहावत ऐसे है कि सब कुत्ता यदि काशी जइहन तो पनिया के भरी, यानी इसका अर्थ हुआ कि सभी जो है पढ़ लिख लेंगे, सभी लोग काशी चले जाएंगे, काशी जाने का अर्थ हुआ कि पढ़ना लिखना, सभी लोग अगर हाई लेवल के मतलब शिक्षा ग्रहण कर लेंगे या सब लोग एक जैसे हो जाएंगे तो बाकी कार्य कौन करेगा, यानी कि सब कुछ सब कुत्ता यदि काशी चली जान तो हंडिया के ढूंढे। तो इसी तरह की कहावतें जो है, ऐसी मुहावरे जो है हमको बहुत सारे देखने को मिलती है। एक और मुझे यहाँ पर स्मरण आ रहा है जो कि भोजपुरी में ही हम आपके यहाँ पेश कर रहे हैं आज की क्लास में, कि मंगनी के बैल के दांत ना देखल जाला, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, जो चीज आपको मुफ्त में प्राप्त हो रही है, फ्री में प्राप्त हो रही है, उसके बारे में जो हमें विशेष विवेचना नहीं करनी चाहिए, यानी कि उसकी अच्छाई और बुराई हमें नहीं देखनी चाहिए। भोजपुरी क्षेत्र में क्या होता है, कोई चीज यदि किसी को दी जाती है, फ्री में दी जाती है, यदि उस व्यक्ति के द्वारा उसकी आलोचना की जाती है, उसकी तुलना की जाती है, तो बाकी लोग कहते हैं कि मंगनी के बैल के दांत ना देखा जाला, यानी कि जो चीज हमें फ्री में प्राप्त होगी, मुफ्त में प्राप्त होगी, उसकी अच्छाई बुराई हमें नहीं देखनी चाहिए। चलिए आठ नंबर की हम बात करें, नौ नंबर के बारे में, तो आप नौ में आप सभी लिखेंगे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यानी इसका अर्थ आप सभी को पता होगा, इसका अर्थ यह हुआ कि जो नीच तरह के व्यक्ति होते हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, उन्हें बिना दंड दिए, बिना उन्हें प्रताड़ित किए, वो क्या होते हैं, सुधरते नहीं हैं। चलिए नौ हुआ और आपका एक अंतिम की बात करिए दसवा की, दस नंबर में आप लिखेंगे, क्योंकि आज के प्रोग्राम में दस लोकोक्तियों के बारे में आपको बताया है, ऐसी बहुत सारी लोकोक्तियाँ हैं जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, आप प्रयोग भी करते होंगे। चलिए दसवें के बारे में आप लिखेंगे, दसवा में आपको लिखना है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, यह भी एक लोकोक्तियाँ है जिसका अर्थ यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पहुंच के भीतर ही कार्य करता है, यानी जितने व्यक्ति होते हैं सब व्यक्ति की अपनी एक पहुंच होती है, अपनी एक सीमा होती है, और उस व्यक्ति जो है उसी सीमा के अंतर्गत, उसी पहुंच के अंतर्गत उनके द्वारा कार्य को संपादित किया जाता है, इसीलिए कहा जाता है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। और भी ऐसी बहुत सारी लोकोक्तियाँ है, यदि आप पढ़ेंगे हिंदी, आप पढ़ते होंगे हिंदी में, आप रुचि रखते होंगे, तो आपके सामने बहुत सारी ऐसी लोकोक्तियाँ जो मिल जाएगी, या फिर आपके क्षेत्र विशेष में भी ऐसी लोकोक्तियाँ बोली जाती हैं और पढ़ी जाती हैं। यदि आपको भी कुछ ऐसी आपकी अपने क्षेत्र विशेष में, जैसे आप यदि मगही बोलते हैं तो मगही की कुछ लोकोक्तियाँ, अंगिका भाषा बोलते हैं तो अंगिका की, भोजपुरी बोलते हैं तो भोजपुरी भाषा क्षेत्र की, जो भी लोकोक्तियाँ है उसको भी आप सभी मेरे साथ साझा कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। आप जरूर जो है जो लोकोक्तियाँ आप जानते होंगे या पढ़े होंगे या उसका प्रयोग करते होंगे, उसका अर्थ और उसका नाम कैसे, उसको उच्चारण क्या है, उसको जो है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सकें। और जो आपका बीएड
प्रथम वर्ष के ईपीसी 1 के यूनिट 3 का जो आपका उद्देश्य था, जो आपको लोकतिया पढ़ना है, इसका उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास में हम जान रहे थे लोकतिया के बारे में। हम अगले क्लास में आपके बाकी जो यूनिट है, जैसे कि लोकगीत, जीवन कथाएँ, स्थानीय कथाएँ, इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।